हेलो फ्रेंड्स, नए दिन की नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। सुबह तो नहीं है, अभी शाम हो रही है। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला था। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से इनका भी मन नहीं हो रहा था और इनको भी दूसरा भी काम था, तो उस वजह से हम लोग ने व्लॉगिंग नहीं कर पाए। तो आज से हम लोग व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, नहीं हम लोग रोज़ डेली व्लॉग्स डालेंगे जितना हमसे हो सके। और कल से तो नवरात्रि शुरू हो रही है, सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा कल से 9 दिन का व्रत शुरू हो रहा है। घर में माता, हमारे घर में देवी माता की मूर्ति है ना, तो घर में पूरी साफ़ सफाई आज पूरी हो चुकी है, क्लीन कर चुके हैं। अब जो जो चीज़ों की ज़रूरत है कल के लिए वो लेने जा रहे हैं। तो यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर है, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ से अभी जाना है हम लोगों को, तो निकल रहे हैं, देखते हैं बारिश ना हो। बारिश होती है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है घर पर ही बैठे रहो। देखते, बारिश नहीं होगी तो सफ़र भी अच्छे अच्छे से कट जाएगा। आज घास कटिंग किया है बाहर, पूरी तरह से क्लीन तो नहीं किया लेकिन जैसे भी है थोड़ा आंगन क्लीन किया हम लोगों ने, क्योंकि नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। तो कोई भी आएगा घर में, अगर माता के पैर पड़ने आ गया, माता का पैर पड़ने आ गया, तो उन्हें भी देखकर अच्छा लगना चाहिए। काफ़ी बड़ा घर है, हम दोनों ही हैं, हम तीन हैं, मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड। तो बड़ा घर है तो महीने में एक बार साफ़ सफाई करते हैं, रोज़ नहीं कर पाते, दूसरा भी काम होता है। ये मेरा घर है, निकलेंगे। ये रबर चिपका हुआ है, अभी निकालने का टाइम मिल रहा है मुझे। घर साफ सफाई, हर चीज़ चारों, घर के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि माता कल से आने वाली है। कल से आने वाली नहीं, कल है, हमारे घर में तो माता की मूर्ति है ही, माता है। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो नौ दुर्गा कल से आएगी, है ना। हाँ, तो घर की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। माता सबकी रक्षा करे, सबका अच्छा करे, साथ में हम लोगों का भी अच्छा करे। अभी घर जाने की तैयारी हो रही है, जो सामान लेना था वो ले चुके। इन्होंने गलत गलत रास्ते और गलत रोड पर निकाल चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा टेंपल है नाग देवता का, यहाँ पर नागदोष की पूजा होती है, और जिसको बच्चा नहीं होता है उनके उनके लिए भी यहाँ पर पूजा की जाती है। मैं ऐसे ही रफ बाहर से आपको दिखाती हूँ, दिखेगा ना यहाँ से। घर जाएंगे, घर का रास्ता कुछ कुछ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। रात हो गई है, 9 बज गए हैं, और यहाँ पे तो मत दिखाना, क्यों डर जाएंगे लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं दिखाऊंगी, पूरा जंगल एरिया, हम लोग अभी जंगल से जाने वाले हैं। और लॉन्गकट से जाएंगे कि शॉर्टकट से जाएंगे? शॉर्टकट, तो शॉर्टकट से जाएंगे, अभी वो भी दिखाऊंगी मैं। थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ पर, तो जितना जितना देखने मिलेगा उतना उतना मैं आपको दिखाऊंगी। तो सुब्रमण्यम का रास्ता है ये, थोड़ा है यहाँ पे लोग रहते हैं चहल पहल, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ना। अब यहाँ से थोड़ा 2 किलोमीटर थोड़ा आगे जाने से, 2 किलोमीटर दूर जाने से जंगल एरिया शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये सभी लॉज्ड है, बड़े बड़े होटल है यहाँ पर रहने के लिए। कभी आप लोगों का आना हुआ तो आइए यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये मंदिर में नागदोष की पूजा, और जिनको बच्चा नहीं होता है उसके लिए भी पूजा करते हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। हम लोग एक्चुअली कभी इतना रात को निकले नहीं है, कल नवरात्रि है ना, नवरात्रि की वजह से हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने निकले थे कि कुछ माता के लिए कुछ लेना है, जैसे थोड़ा बहुत सामान तो हम लोग लेंगे। और ये क्या है ना, यहाँ पे ये मार्ट है, यहाँ पे छोटा मार्ट है,
यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है जो हम लोगों को चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे गांव में भी है, गांव साइड में है, छोटी सी शॉप है लोगों की, मगर जो चीज़ हम लोगों को चाहिए, जैसे कि हम लोग सरसों का तेल खाते हैं खाने में, वहाँ पे सरसों का तेल कोई नहीं खाता है, वो लोग नारियल का तेल खाते हैं। मैं बचपन में नारियल का तेल खाती थी, पर जैसे मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद में मेरे हस्बैंड सरसों का तेल खाने में खाते हैं, तो उनकी वजह से मैंने भी सरसों का तेल मीन्स चेंज कर लिया। नारियल का तेल भी खाती हूँ कभी कभी, लेकिन मोस्टली हम लोग सरसों का तेल खाते हैं खाने में। ये पूरा जंगल एरिया है, लेफ्ट राइट दोनों भी जंगल है, और ये तो थोड़ा अच्छा रोड है, मतलब पक्का रोड है। अब जहाँ से हम लोग जाने वाले हैं शॉर्टकट से, वो रोड भी भयंकर बहुत खराब रोड है, रास्ते हाथी निकलने लगे। हाँ वो दिन में गिरा था, रात में नहीं देखा ना। हाँ रात में दिखाएंगे, दिन में गिरा था वहाँ पर फोन, लेकिन अभी रात में तो आए, फोन गिरेगा तो भी उठा नहीं सकते। हम लोग लेफ्ट लेंगे यहाँ से, और ये आ गया ऑफ रोड। यो बापरे, घुसने के साथ ही देखिए ये पूरा जंगल एरिया है। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर। आप लोग बने रहिए, कुछ ना कुछ तो देखने मिलेगा रास्ते में। ये पूरा जंगल एरिया है, लेफ्ट राइट ये जितना आपको दिख रहा है ना गाड़ी की लाइट से, ये सब जंगल एरिया है। देखते जाना है। और थोड़ा मेरा कैमरा भी हिलेगा क्योंकि रास्ते बीच बीच में बहुत खराब है। ये तो अभी बारिश का सीजन चल रहा है, जैसे बारिश खत्म हो नवंबर दिसंबर में 7 बजे के बाद ये रास्ता आप चल ही नहीं सकेंगे, जा ही नहीं सकते ये रास्ते पे, पूरे हाथी जंगली जानवर भरे हुए रहते हैं। क्या बोला? हुँ? तो बोला उसने क्या बोला पता नहीं, हाथी वाती है क्या पता नहीं, कुछ तो बोल के गया। कितना भयानक जंगल है, देखिए हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, अभी रात को 9:30 बजे। हमारे गांव का एक आदमी भी इतने रात को कभी बाहर नहीं निकलता, अगर कुछ ज़रूरत का काम है तभी जाकर वो लोग निकलेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेंगे। हमारा भी आज ज़रूरत का काम था, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों को आना ही था। हम लोग ही खुद लेट हो चुके, हम जल्दी भी आ सकते थे लेकिन काम बहुत ज़्यादा था घर पे, उस वजह से लेट हो गए। घर की पूरी साफ़ सफाई करना था, बाहर की सारी क्लीन करना था, तो उस वजह से हम लोग लेट हो गए। तो लोग यहाँ पे भी हैरान हो गए थे कि आप लोग इतने रात को कैसे आ रहे हो, लेकिन एक चीज़ है कि गाड़ी होने की वजह से थोड़ा सा सेफ है, हम लोगों का सेफ्टी है। इसके पहले 2 साल पहले जब मेरी बच्ची कुछ 11 साल की थी, तब हम लोग ट्रिपल सीट में स्कूटी से जाते थे, ट्रिपल सीट में स्कूटी से जाते थे, तब तो बहुत डर लगता था क्योंकि खुला था हर चीज़, तो हालत ख़राब हो जाती थी। हम लोग ये रास्ते से तो कभी नहीं गए स्कूटी से, सीट बेल्ट निकाल के बैठा हूँ मैं। क्योंकि जंगल एरिया है ना, ऑफ रोड है, चले रिवर्स जाना पड़े, किधर होना पड़े, कुछ टर्न करना पड़े, एकदम फ्री होके बैठा हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ऐसे, फुल जंगल है ये, पूरा जंगल एरिया, पूरा फॉरेस्ट, लेफ्ट भी और राइट भी, ये कुछ नहीं दिखता इधर, एक आदमी नहीं दिखेगा। बहुत मुश्किल से अगर स्कूटी या बाइक लेके कोई जा रहा है कोई अर्जेंसी में, या कोई लेट हो गया है तो दिख गया तो दिख गया, नहीं तो ये रास्ते से कोई नहीं जा रहा रात के टाइम पर। और ये शॉर्टकट है हमारे घर पे जाने वाला, लॉन्ग कट भी है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा हम लोगों को रिस्की लगता है, इसीलिए क्योंकि वो रास्ते में ना मोड़ बहुत ज़्यादा है, और रात के समय थोड़ा सा
नहीं इससे डेंजर नहीं है, ये ज़्यादा डेंजर है। हाँ, वो तो मतलब कच्चा रास्ता नहीं है ना, पक्का रास्ता है। वो पक्का रास्ते में भगा सकते हैं ये, लेकिन कच्चे रास्ते में भगा नहीं सकते ना ज़्यादा। ये हमारा घर के पास वाला रास्ता है, हम लोग ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच चुके हैं। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ आज का व्लॉग हम लोग एंड करते हैं। हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। रात हो चुकी है तो कल हम मिलेंगे नए दिन की नई सुबह नई शुरुआत के साथ में, नए और अच्छे खास व्लॉग के साथ। इसी के साथ आज आप सबको शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।